नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेता जीवन का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ, जो आज लोग वैक्सीन लगा रहे हैं कोरोना की, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, इसके हम लोगों को साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, या यूं कहिए पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वैक्सीन लगाने के बाद क्या होता है। दोस्तों मैंने कोविशील्ड वैक्सीन ली आज से 8 दिन पहले। वैक्सीन लेने के बाद किसी तरह का महसूस नहीं होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब वैक्सीन ले ली, इतनी माइन्यूटली प्रॉपर वे में इंजेक्शन लगाई जाती है। कोविशील्ड वैक्सीन जो मैंने ली, वैक्सीन लेने के बाद आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं नजर आएगा नॉर्मली, और मुझे भी वैसा ही लगा कि नहीं नजर आया। उसके बाद में आने के बाद कुछ वर्कआउट्स भी किए, एक्सरसाइज भी किए, क्योंकि कोरोना में फिट रहना ज्यादा जरूरी है, वैसे भी फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद 3 बजे रात से मुझे हल्का सा बुखार आया, और एज मुझे प्रिस्क्राइब किया गया था कि अगर बुखार आता है तो आप पारासीटामोल ले, तो मैंने पारासीटामोल की दवाई ली। ज्यादा बुखार नहीं था, बहुत ही माइल्ड फीवर 99 से 100 था। उसके बाद दिन भर मेरा सर बहुत दर्द करते रहा, आपको आंख के पास भारीपन लगेगा, वो भारीपन लगता रहा। मैंने अगेन पारासीटामोल ली और हल्का माइल्ड फीवर हल्का हल्का सा रहा, जो एक दिन लगभग रहा। और नेक्स्ट डे रात में सोने के बाद मॉर्निंग आवर में जाके क्लियर हो गया, मेरा बुखार भी खत्म हो गया, मेरा हेडेक भी खत्म हो गया, और आंख के ऊपर का पूरा भारीपन भी खत्म हो गया। तो ओवरऑल मैंने ऑब्जर्व किया कि एक माइल्ड फीवर आता है, माइल्ड फीवर के अलावा हल्का सा आपका आंख के पास भारीपन लगेगा और हल्का सा नींद जैसा लगेगा, बस इसके अलावा किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ। और कई जगह मैंने इंटरनेट पे पढ़ा तो उसमें पाया कि ये होना अच्छा है अगर ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है उनके साथ अच्छा नहीं है, यस उनके साथ भी अच्छा है स्टिल, क्योंकि हर एक बॉडी वैक्सीन के अगेंस्ट में अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है। बट मैंने अपने आसपास में करीब 500 से ज्यादा लोगों को देखा है वैक्सीन लेते हुए, यस आई ऑब्जर्व मोर देन 500 पीपल्स हु टुक वैक्सीन, उन्होंने वैक्सीन लिया है, और सब पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से असर किया। इवन मेरे साथ में जो गए थे उन्हें एक दिन भी कुछ नहीं हुआ, एक मिनट के लिए ना बुखार आया ना सिर दर्द हुआ ना किसी तरह। तब उन्हें क्या प्रॉब्लम हुआ, तो जहां उन्होंने इंजेक्शन लिया था हाथ पे, वहां हल्का हल्का 2 दिन तक पेन हो रहा था उन्हें, लेकिन मुझे हाथ के पास पर्टिकुलरली कोई भी पेन नहीं हो रहा था, लेकिन उनको हो रहा था पेन। ऐसे सबको अलग अलग तरह का रिएक्शन हुआ, लेकिन चिंता की बात नहीं है, आप वैक्सीन जरूर जाके लीजिए, चाहे कोवैक्सीन हो कोविशील्ड हो, दोनों डोज कंप्लीट करिए। पहला डोज लेने के बाद दूसरे डोज के लिए जरूर जाइए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि यही एक चीज है जो हमें कोविड से लड़ने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए सहायक है। हाँ, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है या क्रोनिक डिजीजेस है, वो डॉक्टर से कंसल्ट करें, और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद अगर डॉक्टर ओके करते हैं तो पॉजिटिवली, डोंट बीइंग पैनिक, डरे हुए बगैर पॉजिटिवली यस ये वैक्सीन अच्छा है, इसके साथ जाके वैक्सीन ले। पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, एकदम फ्री होके, वैक्सीन है, एंटीबॉडी बनती है, परफेक्ट है, लेने में ही फायदा है, ये सोचते हुए जाके वैक्सीन जरूर लीजिए। अभी रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया 18 एंड अबव के लिए, मौका मिलता है स्लॉट्स बुक करिए एप्स पे और प्रॉपरली जाकर के वैक्सीन ले। ये साइड इफेक्ट्स नहीं करता, यही एक आपको कोविड से लड़ने में मदद करेगा, जिसके लिए मैंने खुद लिया, एक्सपीरियंस किया, इसलिए एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।